शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि विधान परिषद यानी MLC चुनाव में किस तरह से वोट डाले गए और किस तरह से धांधली हुई, और विधान परिषद चुनाव में इसी धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर धांधली करने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और MLC चुनाव में BJP ने अपनी मनमानी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये भी कहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। दूसरी पार्टियों को जातिवादी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई ये है कि MLC चुनाव में 36 में से 18 सीटों पर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री जी की अपनी ही जाति के लोग थे, और इस चुनाव में SC ST और OBC को एकदम किनारे कर दिया गया है। क्या इस तरह से होगा सबका साथ और सबका विकास? अखिलेश यादव ने कहा कि न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर जरा भी विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छल बल और धन से सत्ता में बने रहना चाहती है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी तार तार करने में लगी हुई है। चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए BJP किसी भी हद तक जा सकती है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 27 सीट के लिए चुनाव हुए और 12 तारीख को काउंटिंग हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें अपने नाम कर ली। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो दोस्तों, इस चुनाव में जो धांधली हुई उसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।